अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन है, और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में हमारे पास कुछ डिवीजन इस तरह से कि एक तो अभी हम आज मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, और मैग्नेटिज्म के साथ फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट, उसके साथ फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस तरह से कुछ डिविजन है हमारे पास, 4 से 5 सेक्शन होंगे हमारे पास इसमें, तो वो 4 से 5 सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। ताकि इसमें ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स सेपरेट समझ आ जाए और मिक्सअप ना हो, क्योंकि इसमें नॉर्मली मिक्सअप ही होता है, ठीक है, कि मतलब हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस में, तो इसलिए सारे सेक्शंस इसमें बिल्कुल सेपरेट हैं, तो आपको जो है वो इजीली उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा वेव कंप्लीट हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिज्म में हमारे पास अब ये होगा कि मैग्नेटिज्म में आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको पता होंगी कि मैग्नेटिज्म में सेम पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी बेसिक क्वांटिटीज तो आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सब पता होंगे, ठीक है। अगर हम अनलाइक पोल्स की बात करें तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स रिपेल करेंगे, और उसके साथ फिर इसमें हमने कुछ और क्वांटिटीज और कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह से डिस्कस किए थे कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह से दो बहुत फेमस मतलब मटेरियल्स हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं बार बार, एक स्टील और एक आयरन। अच्छा, स्टील और आयरन में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है कि आपके पास स्टील जब हम यूज करते हैं तो स्टील आपको पता है कि वो एक परमानेंट टाइप मैग्नेट बनता है, तो अगर हम स्टील को मैग्नेटाइज करते हैं और फिर अगर आप उसको यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, या आयरन को अगर आप मैग्नेटाइज करते हो, तो स्टील आपके पास परमानेंट मैग्नेट टाइप मटेरियल होता है, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज करने हो तो आप देखोगे कि वो आपके पास स्टील से बने होते हैं, और आयरन जो है वो टेम्परेरी आपके पास होता है मैग्नेट। तो नॉर्मली हमारे जो सेटअप होते हैं, हमारे अलार्म सिस्टम और इन सब में जो है वो हम आयरन इसलिए यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, कि आपके पास वो टेम्परेरी मैग्नेटाइज होता है और वो इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो आपका मैकेनिज्म ऑटोमेटिक चलता रहता है वहां पर, आपको बार बार उसे स्पेशली डीमैग्नेटाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। और मैग्नेटाइज करने के मेथड्स भी आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिकली भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, अगर हम मेथड्स की बात करें। तो मैग्नेटाइज करने के मेथड्स में आपके पास बहुत सारे जो आप मेजर क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट करने का बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी मेथड जो है वो ज्यादातर डिस्कस किया जाता है, कि आप क्या करते हो कि एक बार लेते हो, लेट सपोज अगर हम आयरन को करना चाह रहे हैं मैग्नेटाइज, तो हमने एक आयरन की बार को कंसिडर किया, और उसके वो आप वायर से वाउंड करने के बाद उसमें से करंट पास करवाते हो, ठीक है। अब इसमें से आपने इसको करंट पास किया, और करंट पास करने के बाद क्या होगा कि ये
थोड़े टाइम बाद मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वैसे वो हमारा भी लास्ट सेक्शन होगा इसमें, लेकिन उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर से तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो इसी वजह से आपके पास जो भी उसके बीच में आपने कंडक्टर रखा होगा वो इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटाइज करने का मेथड होता है ये हम मोस्टली यूज करते हैं, और इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इन्हें मैग्नेटाइज कर रहे हैं। और बाकी जो नॉर्मल होता है कि आप किसी दूसरे मैग्नेट के साथ उसे कंबाइन करके स्ट्राइक करके रखो थोड़ी देर, तो भी वो मैग्नेटाइज हो जाता है। और इसमें ये होता है कि अगर आप लेट सपोज इस बार में डीसी करंट हम पास कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो अगर आपने इसको डीमैग्नेटाइज करना हो तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपने डायरेक्ट करंट पास किया इससे और इसको मैग्नेटाइज किया और अब आपने इसको डीमैग्नेटाइज करना है, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से एसी करंट पास कर दो, ठीक है? तो जो इसका मेथड होता है डीमैग्नेटाइज करने के लिए वो ये होगा कि आप इसमें से दोबारा इस पे वायर वाउंड करके और इसमें एसी करंट पास करो। अच्छा, एसी से पता है क्या होगा, एसी की पोलैरिटी चेंज होती है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने से होगा ये कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी वो इफेक्ट कैंसिल आउट करके, ठीक है, तो वो उसे इजीली डीमैग्नेटाइज कर देगी। कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वैसे ही एक जनरल रीजन बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर डीसी से आपने पास करके उसको मैग्नेटाइज किया था, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप उसमें से एसी को पास करवा दो, ऑल्टरनेट करंट को, तो वो आपके पास इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है? और बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास पोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। मैग्नेट में हमारे पास दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसमें जब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की आती है। तो मैग्नेट्स में जो आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे अगर हम उसकी बात करें, हाँ, एसी डीसी हम करेंगे, बेसिकली हमारा भी सेक्शन आज मैग्नेटिज्म वाला है, तो मैग्नेटिज्म के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा तो हम उसे उसके साथ साथ करते रहेंगे, ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो क्लियर रहे, हमारे पास बहुत ज्यादा एक साथ कॉन्सेप्ट्स ना जमा हो जाए, फिर कंफ्यूजन होती है क्वेश्चंस में। अच्छा, इसमें हम अगर मैग्नेट्स की बात करें तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, और इसमें हम फील्ड इस तरह से बनाते हैं, लेट सपोज नॉर्थ यहाँ पर है और साउथ यहाँ पर है, ठीक है? तो अब आपके पास, आपको ये पता है कि दोनों अनलाइक पोल्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको ये पता है कि जब भी आप किसी भी मैग्नेट की बात कर रहे हो तो मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जहां तक वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई कर सकता है, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, किसी दूसरे कंडक्टर या किसी दूसरे मैग्नेट पे। तो जब हम यहाँ पे फील्ड ड्रॉ करेंगे तो हमारी फील्ड किस तरह से ड्रॉ होगी, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है हमेशा नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, ठीक है? तो जो सेंटर से होगी वो तो स्ट्रेट जाएगी नॉर्थ टू साउथ, और जो साइड से होंगी वहां से कर्व होकर मूव करेंगी वो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और जो इनकी बैक साइड पे पोल्स होंगे ना, अब यहाँ तो साउथ आएगा और यहाँ नॉर्थ आएगा, अब इनकी बैक साइड पे तो कोई मैग्नेट है नहीं, तो बैक साइड पे मैग्नेट ना होने की वजह से होगा ये कि साउथ की जो फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। जिस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव आपके पास फील्ड फ्लो करती है, तो पॉजिटिव में हम रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाते हैं और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड, इसी तरह से नॉर्थ में रेडियली आउटवर्ड बनाते हैं और साउथ में रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और अब दूसरी साइड की अगर हम बात करें,
अब लेट सपोज दूसरी साइड पर है नॉर्थ, उसकी फील्ड हमें पता है वो रेडियली आउटवर्ड होगी। लेकिन अगर हम एक काम करें, इसी डायग्राम में एक और मैग्नेट को कंसीडर करें और हम अपने दो पार्ट्स एक ही उसमें कंप्लीट कर लें। अब लेट सपोज हम दो मैग्नेट्स दोबारा कंसीडर कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला जो मैग्नेट है, अब आप इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। और इसको इग्नोर करने के बाद यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, अब हमारे पास दोनों जो है वो सेम पोल्स आ गए। अब सेम पोल्स आने का मतलब ये कि आपको पता है रिपल्जन होगी। अब रिपल्जन को मार्क कैसे करना है यहाँ पर, वो आपने देखना है। अब रिपल्जन के लिए होगा ये कि आपको पता है नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने में आपके पास इस तरह की कुछ फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, आउटवर्ड, इसी तरह से आपके पास फील्ड जो है वो आउटवर्ड बनेगी। ठीक है, और साउथ के लिए वही आपके पास होगा यहाँ से इनवर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, बाकी फिर ये कि टाइम टू टाइम अगर कोई चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसमें क्वेश्चंस पे ज़्यादा जल्दी फोकस करते हैं। अभी सिर्फ आपके पास क्वेश्चन जो है ना वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होंगे और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड होंगे, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ और इन सबको अभी माइंड से निकाल देना। अभी उन सब के कोई भी क्वेश्चंस हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा इसमें कंपास वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आती है डायरेक्शंस की वजह से, तो कोशिश करेंगे हम कि इन्हें साथ साथ सॉल्व करते जाएं और कॉन्सेप्ट भी साथ क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फोर प्लॉटिंग कंपासेस आर हेल्ड नियर अ बार मैग्नेट, यू मे इग्नोर एनी इफेक्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर दिया वरना दोनों फील्ड कंबाइन हो जाती हैं, और नॉर्मली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हम कहीं कंसिडर नहीं करते, क्वेश्चन में वो मैंशन कर देते हैं। आपने क्या करना है, वट इज अ पॉसिबल पोजिशन फॉर दिस कंपस। अच्छा, कंपस की जो पोजीशन है ना, और कंपस की जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए, मतलब ये ओरिएंटेशन होगी, तो ये ओरिएंटेशन आपने बताना है कि किस पॉइंट पर जाके ये ओरिएंटेशन मिलेगी आपको। चार ऑप्शंस में से किस पॉइंट पर जाकर ये ओरिएंटेशन मिलेगी। ठीक है, एक ऑप्शन आया डी,
अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि कंपस में जो पॉइंटर होता है वो किस पोल को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ को। वैसे तो कलर होता है रेड कलर मेंशन होता है, लेकिन क्योंकि पेपर में कलर का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे। तो इस वजह से आपके पास ये जो एरो होगा, ये पॉइंटर होगा, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आपने नॉर्थ की अगर आप फील्ड बनाओ, ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले ना मैग्नेट की फील्ड बना लो। मैग्नेट की फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो फील्ड आपके पास नॉर्थ टू साउथ होगी, ये डायरेक्शन होगी, यहाँ से ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब आप देखो अगर ए पे आप ड्रॉ करते हो ना, तो ए पे थोड़ी सी टिल्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ए पे जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो थोड़ी सी यहाँ पर होगी, इस तरह से। ठीक है, कि नॉर्थ फील्ड की डायरेक्शन जिस तरह से, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ड्रॉ करो तो आपको जो है वो पोजीशन कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी। इसी तरह अगर आप बी को देखो, तो बी पे तो आपको स्ट्रेट नॉर्थ की डायरेक्शन मिल जाएगी, कि नॉर्थ यहाँ इस पॉइंट पे डायरेक्टिंग इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। और अगर आप सी देखो, तो अब इस पोजीशन में अगर आप देखो, तो पॉइंट सी पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट सी से फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, मतलब नॉर्थ को अगर हम देखें तो नॉर्थ से फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, तो सी पे जो पोजीशन होगी आपके पास, सी पे बिल्कुल एग्जैक्ट डाउनवर्ड आपको डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि अगर आप डी पर भी देखो तो डी पे भी आपको थोड़ी सी टिल्टेड डायरेक्शन मिलेगी, जिस तरह आपको ए पर मिल रही थी। तो इस तरह से आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो सी पे डायरेक्शन आपको एग्जैक्ट मिलेगी, जो कि उन्होंने कंपास की एग्जैक्टली शो की है। क्योंकि आप देखो नॉर्थ जिस डायरेक्शन में, और नॉर्थ जब रेडियली आपके पास उसमें से आउटवर्ड फील्ड मिलेगी, तो आउटवर्ड फील्ड जब सी से पास होगी तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ जब आप मूव करोगे तो आप इसी डायरेक्शन से होते हुए जाओगे। ठीक है, तो आप डी में देखो, सी में देखो, बी में देखो, तो आपकी सबसे बेस्ट डायरेक्शन आपको सी पे मिलेगी। ठीक है, ठीक है, कुछ बाकी क्वेश्चंस देखेंगे तो एक एक करके आपके पास क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसमें, क्योंकि डायरेक्शंस मेंशन नहीं होती बिल्कुल भी कहीं भी, तो इस वजह से इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये है कि विच मटेरियल इज रॉड मेड फ्रॉम एंड व्हाट इज द पोल एट एंड पी ऑफ द रॉड व्हेन इन पोजीशन वन। अब उन्होंने आपसे पोजीशन वन से रिलेटेड पूछा है, और पोजीशन वन से रिलेटेड का मतलब ये कि आपके पास जो रॉड थी और नीचे मैग्नेट था, तो मैग्नेट बेसिकली उसकी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, वन एंड ऑफ द रॉड पिक्स अप द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इन पोजीशन वन, द सेम एंड द सेम एंड ऑफ द रॉड पिक्स अप द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इन पोजीशन टू।
अब उन्होंने आपसे पूछा कि जब एक साइड से उसने नॉर्थ को भी पिक कर लिया और उसी रॉड को जब पोजीशन टू पे रखा तो उसने उसको भी पिक कर लिया, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी आपके पास ड्रॉ किया है रॉड के ऊपर, ठीक है, इसका मटेरियल क्या होगा और इसका पोल क्या होगा? बी ठीक है, अब उन्होंने आपसे पोजीशन वन का पूछा ना, तो मटेरियल तो आपको पता है कि आयरन यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि स्टील तो आपके पास परमानेंट मैग्नेट होता है, और क्योंकि इसमें देखो आपके पास हुआ ये कि बी का लॉजिक ये है, आंसर तो इसका बी है, बी की लॉजिक ये है कि जब आपने फर्स्ट पोजिशन में रखा था तो वहां पे उसने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे साउथ होगा, और जब पोजीशन टू पे गए तो यहाँ पर उसने साउथ को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो इसका मतलब उस पे पोलैरिटीज चेंज हुई, तो पोलैरिटीज चेंज का मतलब ये कि आप इजीली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो उसको, और पोल्स भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, तो मटेरियल आयरन यूज करेंगे और यहाँ पे साउथ पोल था क्योंकि उन्होंने बस पोजिशन आपसे वन का पूछा है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, आयरन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आयरन आपके पास इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी, और आपके पास दो पोजीशंस में आपको बताने का मतलब ही ये था कि यहाँ पर देखो पोल्स चेंज हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ये है कि उसने दोनों साइड्स पे उसको अट्रैक्ट किया है, और दोनों साइड्स पे अट्रैक्ट करने का मतलब ये कि आयरन को आप इजिली मैग्नेटाइज भी कर सकते हो, पोलैरिटीज भी उसकी इजिली चेंज कर सकते हो, स्टील को अगर एक बार मैग्नेटाइज कर लिया तो सेम उसी पोजिशन पर आपको जो है वो दूसरे पोल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने रिंग का मटेरियल बताना है और इसका रीजन बताना है कि रिंग जिस मटेरियल का आप यूज करोगे तो उसका रीजन भी क्या होगा वो भी बताना है आपने। सर सी अच्छा, एक आंसर बताया सी और एक आंसर आया बी। सी में कि आयरन द मेटल कैरीज द फील्ड लाइंस अराउंड द इक्विपमेंट, और बी में है कॉपर द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि विच मेटल शुड बी यूज फॉर द रिंग और वाई, तो रिंग का हमें बताना है कि आपके पास ये जो मेटल रिंग है इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया है, ठीक है, तो मेटल में बेसिकली। अच्छा, सवाल में उन्होंने ये पूछा है कि आपके पास एक मेटल रिंग स्क्रीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम एन मैग्नेटिक फील्ड, एक इक्विपमेंट रखा हुआ है आपने, ठीक है, मतलब जिस तरह सेंसिटिव डिवाइसेस होती है ना, जिस तरह अगर आप टीवी स्क्रीन की एग्जाम्पल लोगे, टीवी स्क्रीन के आगे अगर आप मैग्नेट को रखते हो, ठीक है, तो उसकी स्क्रीन जो है वो उसमें कलर्स जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन आती है, तो आपने उसको सेव करना होता है, तो आप उसको कवर में या इस तरह से रखते हो ताकि अगर कोई मैग्नेट भी क्लोज आए तो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड से वो इक्विपमेंट इफेक्ट हो सकता है, तो उस इफेक्ट से उसको बचाने के लिए आपने उसके साइड में जो है वो एक मेटल रिंग यूज किया है, तो अब वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो मेटल रिंग आपने यूज किया इसका मटेरियल क्या होना चाहिए और उसका रीजन क्या होना चाहिए। अच्छा, बात देखो कि ये मेटल इज नॉन मैग्नेटिक वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेटल आपके पास मैग्नेटाइज भी हो सकता है, अगर आप आयरन की बात करो, कॉपर की बात करो, तो आप इजीली उसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हो। इक्विपमेंट मतलब कोई भी एक ऐसी आपके पास डिवाइस है जो मैग्नेट से इफेक्ट हो सकती है, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, इन्होंने स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं किया, बस उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड से सिंपली सेव करना है, बस उनका ये मेन कंसर्न है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से वो इफेक्ट हो सकता है तो बस उसको आपने सेव करना है,
और उसको सेव करने के लिए आपने ये बताना है कि आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी टाइप का मटेरियल यूज करोगे। ठीक है, अब नॉर्मली आपके पास जो कॉपर है, कॉपर आपको पता है कि हम नॉर्मली उसको मैग्नेटिक उसके लिए यूज नहीं कर रहे होते, हम आयरन को यूज कर रहे होते, तो मोस्टली हमारे पास आयरन यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें ये होगा कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी उसमें, तो वो आपके पास जो है वो बाहर की फील्ड और इस मेटल रिंग की अपनी फील्ड, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगी और आपके पास इक्विपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे फिर वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो होगी, तो ये मेटल रिंग भी आपके पास डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो आपके पास इसमें ऑप्शन सी होगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में अब आपके पास क्या दिया उन्होंने, एक सोलेनोइड है और सोलेनोइड में से जो करंट पास हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको ड्रॉ करके दिए, करंट यहाँ से अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, और इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, और उन्होंने ये पूछा, व्हेन द करंट इन द सोलेनोइड इज इंक्रीज, वेयर इज देयर एन इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ इंक्रीज होगी, उसको मार्क करना है। एक आंसर बताया डी, यानी एम ओनली। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो सेंटर में सिर्फ इंक्रीज होगी, एम एंड एल। ठीक है, सी ऑप्शन बताया एक, और कोई बी, के एंड एल ओनली, ए और डी। ठीक है, अच्छा मल्टीपल सबने ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट चूज किए हैं। अब बेसिकली नॉर्मली होता ये है, हाँ, कि आपके पास जब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो अब देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो पॉइंट्स बताए उन्होंने, एम एल और के, ये आपको पॉइंट्स बताए, और अब इन तीनों पॉइंट्स पर देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट ना हो, सारे पॉइंट्स पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने शो किया है, तो सब पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का मतलब ये कि जब करंट इंक्रीज होगा तो सब पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो के एल एम तीनों पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऐसा होता ना, जिस तरह एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ यहाँ पे बाद में चेंज आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, या ये पॉइंट अगर यहाँ पर होता, तो अब हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए तो वो एल तक भी पहुंच जाएगी, तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पे सारे पॉइंट्स पहले से मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हर पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगी। जी, अगर आउट ऑफ द वायर कहीं पर होती या आउट ऑफ द फील्ड कहीं पे कोई पॉइंट होता, तो फिर क्वेश्चन की सिचुएशन डिफरेंट होती। ठीक है, ये वाला तो सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कोर कौन सा यूज करते हैं, आयरन करते हैं। क्योंकि आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज, रीजन उसका ये था। और सिक्स में आपने क्या करना है, विच मटेरियल कैन बी पिक्ड अप बाय अ मैग्नेट। सी, ठीक है, ये भी सिंपल है, क्योंकि प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, आयरन आपके पास इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेवन वाला क्वेश्चन भी ना वही है सेम, बस जो अभी डायग्राम वाला था ना, इक्विपमेंट की डायग्राम गिवन थी, ये वाले क्वेश्चन में बस उन्होंने आपको स्टेटमेंट दी है, इसमें डायग्राम नहीं दी, क्वेश्चन ये वही सेम है, इसमें भी आप आयरन ही पिक करोगे। ठीक है,
अच्छा, इसमें से आपने बताना है कि किस प्रोसीजर में आपके पास परमानेंट बार मैग्नेट बनेगा। ठीक है, एक आंसर आ गया डी। ठीक है, तो आपके पास डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 9 में है, अ मेटल बार पी क्यू हैंग्स फ्रॉम अ थिन थ्रेड एंड ऑलवेज कम्स टू रेस्ट व्हेन एंड पी पॉइंटिंग नॉर्थ। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन में, क्योंकि लेटर्स बहुत ज्यादा हैं, अब एक लेट सपोज मेटल बार है, एक साइड उसकी पी हो गई, एक साइड क्यू हो गई, और पी एंड आपके पास हमेशा रेस्ट में आते हैं जब भी आप नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हो। ठीक है, अच्छा, एसी में ये होता है कि आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है वो अल्टरनेट होती है, मतलब वो एट अ टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है, बैकवर्ड भी मूव करता है एसी। और डीसी में होता है कि स्ट्रेट सिंगल डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और बाकी उनका क्वेश्चन ये कि अनदर बार एक्स वाई ऑफ द सेम मेटल सेटल्स इन नो डेफिनेट डायरेक्शन, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, व्हाट हैपेंस इफ टू बार्स आर ब्रॉट नियर वन अनदर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दो बार्स को रखा, और दो बार्स को रखने के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास इसमें से क्या सिचुएशन हो सकती है। एक आंसर आया ए, यानी एंड टी एंड एंड क्यू बोथ अट्रैक्ट एंड एक्स। और एक आंसर दिया आपने सी, एंड पी नाइदर अट्रैक्ट्स नॉर रिपेल्स एंड एक्स। अच्छा, ऊपर वाली स्टेटमेंट में आपके पास बस उन्होंने ये कहा था कि जो आपका पी क्यू होगा और वो आपके पास रेस्ट स्टेट में तब आएगा जब एंड पी जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक और बार है, सेम मेटल है, और उसमें आपके पास जो है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक। तो आपसे उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपेंस टू बार्स ब्रॉट वन एंड अदर। अच्छा, अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि पी में और क्यू दोनों अट्रैक्ट, और ऑप्शन बी में लिखा है पी अट्रैक्ट्स एंड एक्स बट रिपेल्स एंड वाई, फिर सी में लिखा है कि ना वो अट्रैक्ट करेगा ना वो रिपेल करेगा, डी में है कि एंड पी रिपेल्स एंड एक्स बट अट्रैक्ट्स एंड वाई, और ए में लिखा है एंड पी एंड क्यू बोथ अट्रैक्ट्स एंड एक्स। अच्छा, अब देखो इसकी रीजन पता है क्या, उन्होंने आपको जो फर्स्ट लाइन दी है ना, फर्स्ट लाइन का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि वो रेस्ट स्टेट में तब आता है जब वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली मेटल बार है ना पी क्यू, ये आपके पास एक मैग्नेट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सिंपल एक बार होती, सिंपल रॉड होता, तो वो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ रखने पे अट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि सिंपल मेटल में तो कोई पोल्स होते नहीं है, मैग्नेट में पोल्स होते हैं और वो स्पेसिफिक अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। और उन्होंने कहा कि एक और बार है आपके पास एक्स वाई, वो भी आपके पास सेम मेटल है लेकिन उसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं आई उसमें, इसका मतलब ये कि वो सिंपल मेटल था, वो कोई मैग्नेट नहीं था। तो इसका मतलब ये कि आपके पास एंड पी हो एंड क्यू हो, वो दोनों आपके पास जो गिवन ऑप्शंस हैं
उसमें से वो एक्स की तरफ अट्रैक्ट इजीली हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब में उन्होंने कहा है कि एक तरफ होगा दूसरी तरफ नहीं, सी में बताया कि कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होगा, डी में कहा है कि रिपेल करेगा। तो बेसिकली जो पी क्यू मेटल बार था वो आपके पास एक्चुअली मैग्नेट था, और जो एक्स वाई हम यूज कर रहे हैं, एक्स वाई आपके पास सिंपल बार है, वो सिंपल एक मेटल है। तो आपको पता है कि मेटल तो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो मैग्नेट की। तो ये बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में देने का, कि उन्होंने नॉर्थ का आपको रीजन देकर ये पूछा कि नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ये कि पी क्यू आपके पास एक मैग्नेट है और एक्स वाई सिर्फ एक मेटल बार, ठीक है। तो मेटल आपके पास तो मैग्नेट की किसी भी साइड पर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी, ठीक है।